हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल ऑफ केवी टीचर्स गिल्ड सो स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर ऑफ क्लास फिफ ईवीएस विच इज़ व्हेन द अर्थ शूक तो आप जानते हैं अर्थ जो शेक करती है वो किस नेचुरल कैलामिटी में करती है इट इज़ इन अर्थ क्वैक तो डेफिनेटली चैप्टर जो होगा आपका वो अर्थ के बारे में ही होगा आपको कुछ रीजन्स बताए होंगे किन रीजन से अर्थ आता है क्या उसके आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं और किस तरीके से आप जो उसके नुकसान है उसको उनको मिनिमाइज कर सकते हैं ओके okay? तो चलिए चैप्टर रीड करते हैं उसके बाद इसकी वर्कशीट करेंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स की मुझे सेव करो देर वॉज स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग एवरीवेयर चारों तरफ लोग जो है स्क्रीम कर रहे हैं शाउट कर रहे हैं चिल्ला रहे हैं हर जगह द ग्राउंड वॉज शेकिंग जो ग्राउंड है धरती जो है वो शेक कर रही थी हिल रही थी एंड पीपल वनिंग ऑल अराउंड और लोग जो है चारों तरफ रन कर रहे थे स्क्रीमिंग लाउडली आई गॉट अप तो ये जो है कोई बच्चा सपना देख रहा है कि ये सब हो रहा है तो वो जोर से चिल्लाते हुए उठता है सपने से ऑन हियरिंग मी माई मदर ऑल्सो वॉकअप मुझे चिल्लाता हुआ सुन के मेरी मदर भी उठ जाती है शी के एम रनिंग एंड हेड मी टाइट वो दौड़ती हुई आती है और मुझे कस के पकड़ लेती है इट वॉज़ द सेम बैड ड्रीम फिर से मुझे वही बुरा सपना आया इट हैज़ बीन मोर देन सिक्स ईयर्स छः साल से ज़्यादा हो गए हैं नाउ सिंस द अर्थक्वैक जब से अर्थ क्वैक आया था उससे उसके बाद छः साल हो गया बट इन माई स्लीप आई स्टिल फील द अर्थ शेकिंग एंड ट्रेम्डिंग लेकिन वो इतना ऐसा इतना भयानक उसने जो बच्चे ने देखा अर्थ क्वैक में क्या होता है वो ऐसा उसके अंदर रह गया है कि अभी तक उसको उसी के ही सपने आ रहे हैं इवन आफ्टर सिक्स ईयर्स छे साल के बाद भी जब वो सोता है तो उसको लगता है कि अर्थ शेक कर रही है ट्रम्बल कर रही है आई एम जश्मा अब ये इंट्रोडक्शन दे रही है अपना मेरा नाम जश्मा है आई लिव इन कच्छ एरिया ऑफ गुजरात मैं गुजरात के कच्छ एरिया में रहती हूँ आई वॉज इलेवन ईयर्स ओल्ड वेन देर वॉज एन अर्थक्वेक जब मैं ग्यारह साल की थी जब अर्थक्वेक आया था डेट आप याद रखना क्योंकि ये बहुत ही मेजर जो रिक्टर स्केल पे था आपका काफी बड़ा अर्थक्वेक था ये ऑन ट्वेंटी जनवरी यानी कि आपके रिपब्लिक डे पर आया था इन टू थाउजेंड वन ओके तो डेट ये याद रखेंगे इंपॉर्टेंट है डेट आपके लिए की गुजरात में जो अर्थक्वेक आया था वो किस डे को आया था ट्वेंटी सिक्स जनवरी टू थाउजेंड वन को एवरी वन फ्रॉम विलेज चिल्ड्रेन एंड ओल्ड पीपल हैड गैदर इन द ग्राउंड ऑफ द स्कूल टू वॉच द परेड ऑन टी वी गाँव के सभी लोग जैसे आप जानते हैं ट्वेंटी सिक्स ऑफ जनवरी को परेड होती है रेड फोर्ट पे तो सभी लोग कोई टीवी में देखते हैं कोई लाइव देखते हैं तो सभी लोग उस टाइम पे टीवी में देख रहे थे इनके गांव के लोग बूढ़े बच्चे सब इकट्ठा थे सडनली द अर्थ वॉज शेकिंग एकदम से अर्थ शेक करना शुरू कर देती है पीपल वर्स के लोग डर जाते हैं एंड स्टार्टेड रनिंग हेर एंड देयर और इधर उधर दौड़ने लगते हैं नो वन न्यू वॉट वॉज हैपनिंग किसी को नहीं समझ आ रहा था एकदम से क्या हो रहा है एंड टू डू और क्या करे देर वॉज टोटल पैनिक सब टोटल पैनिक की स्थिति थी सब लोग बहुत डरे हुए थे ये देखिए आपको पिक्चर में दिखाया हुआ कहाँ सब लोग इकट्ठे थे जानवर सब चीजें गिर रही है सब इधर उधर दौड़ रहे हैं किसी को नहीं समझ आ रहा है क्या करें घर के अंदर भी आप नहीं जा सकते बिल्डिंग गिर सकती है बाहर रहेंगे तो आपके अगर पेड़ भी कई बार उखड़ जाते हैं आपके प्लस जो आपकी वायरिंग अगर है बिजली की जो तारे हैं वो भी आपके ऊपर गिर सकती है ओके इन ए फ्यू मिनट कुछ ही मिनट्स में आर विलेज वॉज फ्लैट ऑन द ग्राउंड हमारा पूरा गाँव ग्राउंड के ऊपर बिल्कुल फ्लैट था बिल्डिंग सब गिर चुकी थी ऑल आर थिंग्स सभी हमारी चीजें कपड़े पॉट्स बर्तन ग्रेन्स अनाज एंड फूड खाना व ट्रैप्ड अंडर द स्टोन्स सभी जो है स्टोन के नीचे ट्रैप हो गया था दब गई थी सभी चीज़ें मर्ड एंड वुड फ्रॉम द फॉरन हाउस हाउस गिर गया उसके अंदर जो आपके स्टोन्स के मर्ड लकड़ी जो थी सब घर का सारा सामान उसके अंदर दब गया एट दैट टाइम एवरी वन थाट ऑफ टू थिंग्स उस टाइम सिर्फ दो चीज़ लोगों को सूझी टू सेव द पीपल हु वर ट्रैप जो लोग उनके अंदर ट्रैप है फस गया उनको एक तो पहले उनको बचाया जाए एंड टू ट्रीट द इंजर्ड और जो इंजर्ड हो गए हैं जो घायल हो गए हैं उनको ट्रीटमेंट दिया जाए बिकॉज ये सब चीज़ें तो बाद में होती रहेगी आपको खाना भी मिल जाएगा पॉट्स भी दोबारा बन जाएंगे कपड़े लेकिन ह्यूमन बींग की जो लाइफ चली गई वो दोबारा नहीं मिलेगी तो फर्स्ट प्रायरिटी होती है जो इंजर्ड है उनको आप हॉस्पिटल पहुंचाएं और जो लोग ट्रैप हो गए उनको बाहर निकालें द विलेज हॉस्पिटल वॉज ऑल्सो डैमेज हमारा जो विलेज का हॉस्पिटल था वो भी डैमेज हो गया था मैनी पीपल वर सीरियसली इंजर्ड बहुत लोग बहुत सीरियसली इंजर्ड हो गए थे क्योंकि घर के छत किसी के ऊपर गिर जाए तो आपके हेड में इंजरी हो सकती है वैसी बॉडी में भी बहुत सीरियस इंजरी हो सकती है माई लेग ऑल्सो गॉट फ्रैक्चर्ड मेरा जो पैर था वो भी फ्रैक्चर हो गया था द डॉक्टर ट्रीटेड पीपल विद द हेल्प ऑफ विलेजर्स डॉक्टर्स ने विलेजर्स की हेल्प से लोगों का ट्रीटमेंट किया ऐसे टाइम पर लोग जो है आस पास के वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी नेचुरल कैलोमिटी में देखिए इसका पैर टूट गया बच्चे का सिक्स पीपल ऑफ आर विलेज डाइड और छः लोग हमारे गाँव के क्या हो गए थे ऑन द स्पॉट दे डाइड वो मर गए थे उसी में माई ग्रैंड फादर इसके जो नाना जी थे वो ऑज ऑल्सो बरीड अंडर द हाउस वो भी घर घर के अंदर ही बरी हो गए दब गए उसके अंदर माई मदर वेब्ड ऑल द टाइम मेरी मदर हमेशा रोती रहती थी सींग माई मदर रो रही थी मतलब पूरा टाइम अपनी मदर को देख के आई ऑल्सो क्राइड में भी रोने लगी द एंटायर विलेज वॉज सैड एंड डिस्टर्ब पूरा जो विलेज था गाँव था वो बहुत सैड था और बहुत डिस्टर्ब था हाउस ऑफ मोटा बापू वॉ हु इज द सरपंच ऑफ आर विलेज वॉज नॉट मच डैमेज लेकिन हमारे गाँव के जो सरपंच थे मोटा बापू उनका घर ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ था ही गेव राइस एंड वीट टू एवरी वन उन्होंने सभी गाँव वालों को राइस दिए चावल दिए वीट अनाज दिया फ्राम हिज गोडाउन अपने खुद के गोडाउन से गोडाउन होता है जहाँ पर आप ग्रेन्स और ये सब चीज़ें स्टोर करके रखते हैं फोर मेनी डेज द विलेज वुमेन कुक दूड टुगेदर कई दिनों तक जो गांव की औरतें थी उन्होंने साथ में खाना बनाया एट मोटा बापूज हाउस मोटा बापू के घर पर ही एंड फेड एवरी वन क्योंकि उनके घर डैमेज हो चुके थे तो उन्होंने वहीं पर खाना बनाया और सबको खिलाया मोटा बापू का घर बचा था वो डेफिनेटली आपका सीमेंट और ब्रिक इन सब से बना होगा पक्का हाउस होगा इमेजिन सोचिए बींग विदाउट अ हाउस इन द कोल्ड विंटर एक तो ठंड क्योंकि ट्वेंटी सिक्स जनवरी को आप जानते हैं बहुत ठंड होती है जनवरी पूरा मंथ आपका विंटर बनता है तो इतनी ठंड में एक तो और वो भी आपके पास घर नहीं है फेयर एंड द कोल्ड केप्ट अस अवेक ऑल द नाइट्स एक तो इतना डर लगता था ऊपर से ठंड की वजह से इस वजह से हम पूरी रात जगे रहते थे ऑल द टाइम वी वर वरीड सारा टाइम हमें यही चिंता रहती थी दैट देयर मे बी अनदर अर्थ कि कहीं दूसरा अर्थ ना आ जाए नाउ यू हैव टू और राइट आपको डिस्कस करना हैव यू और एनी वन दैट यू नो एवर फेस सच डिफिकल्टी क्या आप या फिर किसी को आपको जानते हो किसी को उन्होंने ऐसी डिफिकल्टी को फेस किया है या नहीं हु ऑल हेल्प एट सच टाइम ने कहा लिस्ट कि उन्होंने हेल्प की है ऐसे टाइम पे उनकी लिस्ट बनानी है आपको हेल्प अराइव अब हेल्प आती है गाँव में ओके फॉर सम डेज आफ्टर दैट कुछ उसके कुछ दिनों बाद पीपल फ्रॉम द सिटीज केप्ट कमिंग टू सी वॉट हैज हैपन शहरों से लोग गांव में आने लगे ये देखने के लिए कि क्या हुआ है दे केम विद फूड मेडिसिन एंड क्लोथ्स वे अपने साथ खाना और मेडिसिन दवाइयाँ और क्लोथ्स कपड़े लेके आते थे एवरी वन यूज टू रश टू टेक दीज थिंग्स सब लोग ऐसे उन चीज़ों को लेने के लिए दौड़ते थे जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं क्योंकि घर नहीं है ऐसे में मेडिसिन मिलेगी इंजर्ड है सभी तो हेल्प मिलेगी फूड मिलेगा खाने को है ना क्लोथ्स मिलेंगे कपड़े इतनी ठंड है पहन लेंगे तो सभी लोग रश करते थे उनके पीछे दौड़ते थे द क्लोथ्स दैट वी गॉट वर वेरी डिफरेंट जो कपड़े हमें मिले वो बहुत अलग थे वी हैड नेवर सच क्लोथ्स बिफोर हमने ऐसे कपड़े पहले नहीं पहने थे पीपल फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ फ्राम सिटीज फ्रॉम द सिटी हेल्प अस टू पुट अप द टेंट्स शहर से जो लोग आए उन्होंने हेल्प की हमारी टेंट लगाने में आप जानते हैं घर इनके डिस्ट्रॉय हो गए थे इतनी जल्दी रिकंस्ट्रक्शन का काम तो शुरू नहीं हो सकता तो टेम्प्रेरी हाउसेज बनाने पड़ते हैं और टेंट टेम्प्रेरी हाउसेज हैं आपके स्टेइंग इन दीज प्लास्टिक टेंट्स इन प्लास्टिक टेंट्स में रहना इन द कोल्ड विंटर वो भी इतनी ठंडी विंटर्स में विंटर मंथ्स वॉज वेरी डिफिकल्ट बहुत ही मुश्किल था ये तो ऑब्वियसली होगा ही सम ऑफ दीज पीपल वर साइंटिस्ट उनमें से कुछ लोग जो थे वो साइंटिस्ट थे जो इनकी हेल्प के लिए आते थे दे ट्राई टू फाइंड आउट विच एरिया हैव मोर चांसिस ऑफ हैविंग एन अर्थ क्वैक वो ये सर्च कर रहे थे कि किन किस एरिया में ज़्यादा अर्थ क्वैक आने की ज्यादा के ज्यादा चांसेज है ज़्यादा संभावना है पीपल फ्रॉम आर विलेज टॉक टू दैम मेनी टाइम्स हमारे गांव के लोगों ने कई बार उनसे बात की आप पिक्चर में देख भी सकते हैं दे हैड सजेशन्स अबाउट बिल्डिंग आर हाउसेज अगेन उन्होंने सजेशन दिए कि किस तरीके से आप अपने घर दोबारा बनाए इंजीनियर्स एंड आर्किटेक्ट शोड सम स्पेशल डिजाइन फॉर हाउसेज इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स जो कि घरों को डिज़ाइन करते हैं उन्होंने हमें कुछ स्पेशल घरों के डिज़ाइंस भी दिखाए दिस सेड दैट विद दिस डिज़ाइन हाउसेज वुड नॉट गेट डैमेज मच इन एन अर्थक्वेक उन्होंने बताया कि अगर आप ऐसे घर बनाएंगे तो फिर अर्थक्वैक में आपका घर ज़्यादा डैमेज नहीं होगा बट आर पीपल वर आर लिटल अफ्रेड लेकिन हमारे जो लोग थे वो कुछ डरे हुए थे दे थाट इफ़ दीज पीपल बिल्ड आर हाउसेज आर विलेज विल नॉट लुक लाइक आर ओल्ड विलेज इनको लगा कि अगर ये लोग हमारे घर बनाएंगे तो हमारा जो गाँव है वो पहले जैसा नहीं रहेगा उसके बाद क्योंकि सभी डिजाइंस डिफरेंट होंगे ऑब्वियसली सो द विलेज थॉट दैट दे वु बिल्ड देयर ओन हाउसेज विथ देयर हेल्थ तो उन्होंने कहा कि हम खुद अपने घर बनाएंगे आपसे हेल्प ले लेंगे आप मत बनाएंगे द ग्रुप वुड बिल्ड द वलेज स्कूल ग्रुप जो है आप स्कूल का गाँव का जो स्कूल है उसको बना दीजिए वी ऑल वर्क टूगेदर टू री बिल्ड आर विलेज हम सब ने हेल्प किया अपना गाँव को दोबारा बनाने के लिए सम पीपल डग एंड वॉट द क्ले फ्रॉम द पॉन्ड कुछ लोग पौन्ट से गाँव के तालाबों से मिट्टी लेके आए डग करके खोद के उसको we mix the clay with cow dung and made large cakes हमने उसको cow dung गोबर uh, के साथ मिलाया और बड़े से cakes बनाए we put these on other to make the walls के बाद एक के ऊपर एक रख के wall बनाई दीवार बनाई we white the walls के बाद wall को white wash किया and decorated them with beautiful designs and small pieces of मिरर्स उसके बाद हमने उसको देखिए कितने सुंदर घर बनाए हुए हैं इस तरीके से पहले मड को जो आपका काउटंग है उसके साथ मिला के बड़े बड़े इस तरीके से बना के यहाँ पर ऐसे लगाया फिर उसके ऊपर मिट्टी लग रही है आप पिक्चर में देख सकते हैं उसके बाद उसको बहुत सुंदर डिजाइन से मिरर से इन्होंने क्या किया डेकोरेट किया नाउ आर हाउस शाइन्स लाइक अ डायमंड इन द डार्क नाइट अब रात में जो इनके घर है वो डायमंड की तरह चमकते हैं नाउ देर आर सम क्वेश्चन अलॉट ऑफ पीपल फ्रॉम अदर प्लेसेज केम टू जसमा विलेज बहुत सारे लोग हैं जो जसमा के गाँव में आए थे Uh, who were these people? ये कौन लोग थे इन वॉट वे वु है किस तरीके से विजेस की हेल्प की तो तीन लोगों ने बताए हुए हैं जस्मा ने अपनी स्टोरी में one was a scientist, कुछ डॉक्टर्स भी डेफिनेटली आए होंगे शहरों से क्योंकि इंजरी बहुत ज्यादा लोगों को थी डॉक्टर्स आए थे कुछ आर्किटेक्ट थे एंड समियस कुछ इंजीनियर्स भी थे ओके okay? एंड इन वॉट वे दे हेल्प द विजेस किस तरीके से उन्होंने हेल्प की वो अपने साथ पहले तो दे बॉट फूड क्लोथ्स मेडिसन्स क्वेश्चन आंसर्स की आप टेंशन मत लीजिए जब वर्कशीट करेंगे तब मैं आपको सारे क्वेश्चन आंसर्स करा दूंगी सो दे बॉट फूड क्लोथ्स मेडिसन्स वो अपने साथ ये सब चीज़ें लेके है द साइंटिस्ट वर आइडेंटिफाइंग द एरिया इन विच विच इज़ मोर प्रोन टू गेटिंग अर्थक्वैक जिसमें सबसे ज्यादा अर्थ क्वैक आ सकता है उन्होंने उस एरिया की पहचान की दे ऑल्सो हेल्प देम इन बिल्डिंग देयर हाउसेज उनके घर दोबारा बनाने में भी उन्होंने हेल्प की नेक्स्ट क्वेश्चन इज पीपल इन जसमास विलेज रीबिल्ड देयर हाउस विद सजेशन फ्राम इंजीनियर्स वहाँ के लोगों ने जो सजेशन लिए इंजीनियर्स से फिर अपना घर बनाया विल दीज हाउसेज बी सेफ़र दैन बिफोर इन केस ऑफ एन अर्थ क्वैक अगेन वाई क्या ये जो घर है ये सेफ़र होंगे अगर दोबारा अर्थक्वैक आता है उसमें तो डेफिनेटली क्योंकि इंजीनियर्स ने सजेशन दिए थे घर बनाने के लिए जिससे कि लीस्ट डैमेज हो इन केस ऑफ अर्थ क्वैक अर्थ क्वैक से कम से कम नुकसान हो इस तरीके से उसका डिज़ाइन स्ट्रक्चर किया गया था सो दीज हाउसेज वो डेफिनेटली भी सेफ़र ये डेफिनेटली सेफ़र होंगे पहले वालों से सोचिए इफ दे वर एन अर्थक्वेक वेयर यू लिव वुड यू योर हाउस बी इन डेंजर अगर आपके यहां पर होता है कोई भी अर्थक्वेक आता है तो क्या आपका हाउस डेंजर में होगा या आप लिख सकते हैं आपको पता आपके हाउस का स्ट्रक्चर कैसा है वॉट वुड यू डू टू सेव पेट एनिमल्स ड्यूरिंग नेचुरल डिजास्टर नेचुरल डिजास्टर में आप अपने पेट एनिमल्स को बचाने के लिए क्या करेंगे तो सबसे पहले तो आपको एक मेडिकल किट अपने साथ रखनी चाहिए बाई चांस आपका पेट इंजर्ड हो जाए तो उसके यूजफुल हो उसके लिए सेकेंड आप प्रॉपर कोई आइडेंटिफिकेशन जरूर रखिए अपने पेट के उसमें ताकि क्योंकि एकदम से लोग जब भागते हैं नेचुरल कैलामिटी में तो जनरली देखा गया पेट एनिमल्स गुम हो जाते हैं तो कुछ लिखा हो कोई इन्फॉर्मेशन हो उसके कॉलर हो या फिर कोई टैग हो जिससे कि लोग आप तक पहुंचा सके अगर बाय चांस खो जाए तो और कोई छुपने के लिए कोई जगह बना दीजिए उसके लिए कि जैसे अगर जैसे आप जानते हैं अर्थक्वेक जब आता है आपको कहा जाता है कि किसी ऐसी चीज के नीचे बैठ जाइए जो थोड़ी सी स्ट्रॉग और टेबल के नीचे बैठ जाइए अपने अगर आप स्कूल में अपने डेस्क के नीचे चले जाइए तो ये प्रैक्टिस आप अपने पेट एनिमल्स को भी करा सकते हैं ओके okay? सो so, ये कुछ चीजें आप करेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंपेयर योर हाउस विद डट ऑफ जस्मा जस्मा के घर से अपने हाउस को कंपेयर करिए एंड मटेरियल आपको लिखना है कौन से यूज किए गए हैं आपके और जस्मा के हाउस में तो जैसे जस्मा ने बताया दोबारा भी उन्होंने घर बनाया जो कि पहले जैसा ही दिखता था मतलब लगने में ताकि लगे क्ले यूज हुई थी उसमें काउडंग यूज हुआ था एंड स्ट्रॉज मिरर्स यूज किए थे उन्होंने है ना छत अगर देखे तो वो स्ट्रॉ की घास की बनी हुई थी आपका हाउस ब्रिक्स से बना होगा देन सीमेंट यूज हुआ होगा उसमें आयरन यूज हुआ होगा लोहा एंड वुड यूज़ हुई होगी अलमीरा एंड ऑल बनाने में है ना ग्लास यूज हुआ होगा हो सकता है विंडोज बनाने में सो so, इस तरीके से आप दोनों हाउसेज को कम्पेयर कर सकते हैं नाउ अभी हम लोग इस चैप्टर को इतना ही रखते हैं बिकॉज फोर्टीन मिनट्स हैज़ ऑलरेडी बीन पास जो नेक्स्ट आगे की कुछ चीजें दैट वी विल डू इन आर नेक्स्ट वीडियो सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग